हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड थाना पुलिस के कार्मिक ने दिया ईमानदारी का परिचय। सोजत रोड कस्बे के महाराणा प्रताप चौराहा पर दीपावली के दिन खरीदारी करने आए एक कृषक महिला के थैली में से एक बटवा नीचे गिर गया था। उस बटवे में दो सोने की बाली, दो चांदी के कंगन, बिछड़ी की जोड़ी 4,430 रुपए थे, जो मोटरसाइकिल पर बैठते समय बटुआ नीचे गिर गया था। जो बटवा सोजत रोड थाना पुलिस के कार्मिक सरवन सिंह CPO को महाराणा प्रताप चौराहे पर मिला। सरवन सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए इसकी जानकारी सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम को दी, जिस पर थाना अधिकारी ने सरवन की पीठ थपथपाई एवं तुरंत तत्परता दिखाते हुए फर्श पर लिखे गए व्यवसाय के नंबर से पता कर कस्बे के महाराणा प्रताप चौराहे पर लगे CCTV फुटेज खंगाल कर महिला का पता लगाकर सोजत सर्कल के जाबाज अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की मौजूदगी में गीता देवी पत्नी रूपा राम गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी खोकरा को सोने की दो बाली 4,430 रुपए नगद चांदी की चूड़ियां बिछड़ी की जोड़ी सौंपे गए, जिससे उक्त महिला खुशी से झूम उठी। अपने खोए हुए आभूषण व रुपए पुनः मिलने पर और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया और स्थानीय थाने के कार्मिक सरवन सिंह का साफा माला पहनाकर बहुमान किया। वहीं गीता देवी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को मैं सम्मान करती हूं, जिन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे संबल प्रदान किया। इस दौरान सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने सरवन सिंह के हौसला अफजाई के लिए पीठ थपथपाई। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।